Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 4 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 10 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर की अगर बात करें तो आज 500 से बढ़कर केसेस कर्नाटक में हुए हैं। अचानक से स्पाइक नजर आ रहा है, जिसके अंदर अगर आप बेंगलुरु की अगर केसेस को देखें तो 400 केसेस बेंगलुरु के अकेले की हैं। इसलिए गुजारिश करते हैं कि जो सिटीज़ के अंदर केस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रखें और बाकी जगहों पर आप थोड़ा रिलैक्सेशन दें, ताकि ये सारा सिस्टम बैलेंस रहे और जो केसेस सिटीज़ के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ से ट्रैवलिंग बाहर तक आप बंद कर दें तो शायद ये केसेस जल्द से जल्द रुक सकते हैं। इसके अलावा मेजर अगर हम बात करें तो ये है कि किस तरह से ओमिक्रॉन कोविड 19 के जो केसेस चल रहे हैं मुंबई के अंदर, अचानक से काफ़ी बड़ा स्पाइक आ चुका है, यानी कि काफ़ी सारे केसेस बढ़ चुके हैं। 568 के करीब केसेस बढ़ चुके हैं पिछले 24 घंटे में और 165 से बड़े इन्फेक्शन बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये सारे मामले चल रहे हैं, यानी कि 70% राइज हुआ मुंबई के अंदर। ओमिक्रॉन केसेस हिंदुस्तान भर में बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि घबराएं मत, वैक्सीनेशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और नियमों का पालन करें। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा ने आज सेलिब्रेशन किया तिमावरी सर्कल पर। सेलिब्रेशन चल रहा है चंडीगढ़ में। हाल ही में जो जीत हुई है कॉर्पोरेशन के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी ने 14 सीट लिए और बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 8। यह पहली बार आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के अंदर एंट्री मारी और उन्होंने म्यूनसिपल इलेक्शंस लड़े और लोगों का जो मैंडेट मिला है इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी लोग काफ़ी खुश हैं। इस पर गुलबर्गा शहर के अंदर भी इस तरह का बदलाव आएगा, इस तरह का स्टेट के अंदर भी बदलाव आएगा, आम आदमी पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं। तो देखना यह होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से लोगों के हित में काम करेगी और क्या लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी ये जो है पब्लिक की है, पब्लिक की आस से काम कर रही है और ये बोलने वाली पार्टी नहीं है बल्कि काम करने वाली पार्टी है। कोई सोचे थे भी नहीं कि कांग्रेस 3 नंबर पे चले जाएंगी और बीजेपी 2 नंबर पे। 1 नंबर पे हम लोग 14 सीट लेके क्या है 1 नंबर पे आए हैं। अब आने वाले इलेक्शन में 23 और 24 में कर्नाटक में भी जो ML इलेक्शन है उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर हम काम करके बताएंगे। जस्टिस फॉर मुजम्मिल। जी हाँ, मुजम्मिल वही 2 साल मासूम सा लड़का जिसकी हत्या की गई थी एक दर्दनाक तरीके से। अब तक पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या जस्टिस के मामले में कोई आगे नहीं बढ़ा, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। इस पर लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोग आज सड़क पर आ चुके हैं और जस्टिस मांग रहे हैं मुजम्मिल की। रिंग रोड पर आज एक कैंडल मार्च हुई हागरगा से लेकर टीपू चौक। आज 23 दिन गुजर चुके हैं, मुजम्मिल के कातिलों का कोई पता नहीं चल रहा है, तो अब तक पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? हमारी फैमिली तो रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमारी फैमिली पुलिस के पास गई नहीं और कुछ पूछे नहीं। हम खुद पुलिस से ज्यादा कोशिश कर रहे, फुटेज देख रहे, हर तरह की कोशिश करके जाके उनको इन्फॉर्म कर रहे, फिर भी पुलिस नाकाम है। इंसान आए का काफिर आए, काफिर वैसी दरिंदा है, वैसी दरिंदे के काम करे। 2 साल का बच्चा किसी का क्या बिगड़ा है? और पुलिस वाले भी जो है, आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करिए, जो भी है आप जो भी हैं कमिश्नर साहब, जो भी हैं DC, जो भी हैं MLA साहब है, कारपोरेटर है, जो भी है, अपने अपने जो पावर लगा के जल्द से जल्द उसको पकड़ने की कोशिश करिए। बस अब ये बच्चा तो हमारा गया, हमको तो मिलने वाला नहीं है। बस हम ये चाह रहे हैं, इसलिए इंसाफ लिए करें, कल के किसी दिन किसी बच्चे का नहीं होना है। किस तरह से बेसुकूनी के आलम में हम रह रहे हम जानते हैं, अब तक नहीं है, क्या करें कैसे? माँ बाप अब तक सुकून चैन में नहीं है, वो लोग कुछ बोलने के काबिल है, खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग बोलने के काबिल है कुछ? बड़े VIP पर्सन का बच्चा होता तो यही हाल होता था, ऐसे ही बैठते थे 23 दिन कुछ नहीं करके, कातिलों का कोई पता नहीं चल रहा है, तो अब तक पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? हमारी फैमिली तो रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमारी फैमिली पुलिस के पास गई नहीं और कुछ पूछे नहीं। हम खुद पुलिस से ज्यादा कोशिश कर रहे, फुटेज देख रहे, हर तरह की कोशिश करके जाके उनको इन्फॉर्म कर रहे, फिर भी पुलिस नाकाम है। क्या है इसके पीछे?
एक मासूम बच्चे की तकलीफ जिस तरह से हुई है उसका उनको एहसास नहीं है। सिर्फ हम घर वालों का बच्चा चला गया, हमें इस बात की तकलीफ है। क्या कर रहे हैं इस मासूम बच्चे के खातिलों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? अगर उनसे नहीं होता है तो ये केस जो है ना किसी और के हैंड ओवर कर दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर और कलबुर्गी ब्रांच ने कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए कोविड-19 को चलते, जहां 3 सीविंग मशीन दिए गए उन महिलाओं को जिनके पति का डेथ हो गया है कोविड-19 से, और उसके अलावा 10 से बढ़कर ग्रोसरी किट्स दिए गए उन लोगों को जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। सीतापुर रहने दो या फिर कलबुर्गी ब्रांच, सभी लोग मिलकर इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मौके पर कई सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर शामिल हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और तहसीलदार श्री उमाकांत हरली, डॉक्टर अमरदीप डी पावर, तालुका हेल्थ ऑफिसर भीमाना सरली, एक्स एनी के RTC प्रेसिडेंट सैयद निजामुद्दीन चिश्ती, IRCS चेयरमैन रविंद्र सज्जन शेट्टी, IRCS ट्रेजरर श्याम मुख्तदार, IRCS सेक्रेटरी अब्दुल करीम बेकरी, सैयद नयमुद्दीन चिश्ती, IRCS मेंबर रुपेश कुमार, रवि गुब्बूर, कामरान चिश्ती, हाजी पटेल, अयूब पटेल और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की कि LPG यानी ऑटो LPG के प्राइस को रिड्यूस करें। महंगाई के जमाने के अंदर अब लोड पड़ रहा है LPG पर, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भी मामला कंट्रोल में आ जाए। 28 या 30 रुपीस पर लीटर था गैस, आज 70 रुपीस हुआ। ये प्राइस गिरना चाहिए। नहीं, अगर प्राइस गिरा या कम नहीं हुआ तो ये हुकूमत को गिराई है, ये हमारे हाथ में है। जो 10 रुपए एकदम से जो बढ़ाए हैं, आप इसको वापस लेना है, वरना आने वाले दिनों में ऑटो ड्राइवर्स, गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स सब लोग मिलकर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, बोलकर हमारा ये मुतालबा है। आखिर में हम बात करने वाले हैं विंग्स एकेडमी की। जी हाँ, विंग्स एकेडमी फॉर ऑल क्लासेस, इसका इनॉग्रेशन हुआ। डॉक्टर दिलनास मुजीब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल के, मैडम ने आए यहाँ पर अपना वक्त दिया और इसे ओपन किया। एक ऐसा मामला है जहाँ पर एजुकेशन के लिए एक काफ़ी बड़ी कोशिश की जा रही है। इसका फर्स्ट ब्रांच बसवा रेसिडेंसी शांति नगर में है, अपोजिट कन्नी मार्केट। अब इसका सेकेंड ब्रांच खुल चुका है हुसैन प्लाजा अपार्टमेंट हुसैन गार्डन अपोजिट अमार फंक्शन हॉल। यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है जो कि हर सब्जेक्ट हर क्लास को पढ़ाया जाएगा, और याद रखें लिमिटेड स्टूडेंट्स ले रहे हैं हर बैच में। फर्स्ट से लेकर टेंथ के स्टैंडर्ड के बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी, डिप्लोमा के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट हैं मैथ साइंस लैंग्वेजेस में, इस सारे का सारा एक ट्यूशन का जो मामला है एक रेवोल्यूशन सा लाया गया है। I'm really thankful and I wish to congratulate Aisha Madam regarding Wings Academy, and we hope that not only she grows by many folds but also the community grows with her. Congratulations once again. And for I think so it's almost 200 students we have been teaching. Ek hi advantage hai jo academies ko ja rahe, दे वो स्टाफ को वो बच्चा कौन से स्कूल का है, वो बच्चा क्या उसकी वीकनेस है, दे डोंट नो वॉट आई वॉन्ट वेन दे कम टू मी, विच चैप्टर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, लेट मी फोकस ऑन दैट। पर्सनल अटेंशन वी आर गिविंग, वी हैव केप्ट, सी फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड वेन ही कम्स टू 8th स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन बहुत टफ फील करते, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ करते, जो सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग 4th sem तक है, मी बींग ए टेक्निकल ग्रेजुएट आई नो वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टिल 4th sem इंजीनियरिंग, सो आई एम हेल्पिंग आउट दैट। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार, फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions।